अम्बाला में संदिग्ध परिस्थितियों में तोपखाना की विवाहिता सोनम 34 वर्षीय की नागरिक अस्पताल में मौत के मामले में परिजनों ने 8 माह की प्रेग्नेंट सोनम को इमरजेंसी और गायनी ओपीडी डॉक्टरों पर लगाया चक्कर कटवाने का आरोप। वहीं मृतका के चाचा ने ससुरालियों पर उसकी भतीजी सोनम को मृत अवस्था में अस्पताल छोड़ घर ताला लगाकर चले जाने का भी आरोप लगाया है। वहीं इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने सोनम को परिजनों द्वारा अस्पताल में ब्रॉड डेड लाने की बात कही। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतका के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही सच का पता चल पाएगा। बता दें, नागरिक अस्पताल कैंट में तोपखाना की 8 माह की प्रेग्नेंट 34 वर्षीय सोनम की सुबह 11 बजे तबीयत खराब होने पर ससुरालियों द्वारा इलाज के लिए लाया गया। ससुरालियों का आरोप है कि इमरजेंसी में गर्भवती सोनम ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। उनका कहना है कि ओपीडी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही के चलते सोनम दम तोड़ गई। उनका कहना है कि यदि समय से इलाज मिला होता तो सोनम की मौत न होती। वहीं अस्पताल में मौजूद मृतका के चाचा ने आरोप लगाया कि उसकी भतीजी की शादी 1 साल पहले तोपखाना के सचिन से की थी। विनय पाल का कहना है कि खबर मिलने पर वे अस्पताल गर्भवती सोनम को देखने आए। चाचा का आरोप है, जब उनकी भतीजी आई तो उसके मुंह से झाग निकल रही थी। डॉक्टरों ने सोनम को जांचने के बाद ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। तब उसके ससुरालीय मृतका का शव अस्पताल छोड़कर तोपखाना घर चले गए। पूछने पर उन्हें बताया गया कि वे घर में ताला लगाने गए थे। उनका कहना है कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए कि उनकी भतीजे के साथ क्या हुआ है। वहीं नागरिक अस्पताल के ओपीडी में तैनात डॉक्टर भीषम ने बताया कि गर्भवती सोनम को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। उसे जांचने के बाद वे ब्रॉड डेड थी, जिसकी सूचना उनके परिजनों को दे दी गई थी। मृतक के गर्भ में 8 माह का बच्चा भी मृत था। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वहीं तोपखाना पुलिस चौकी से आए जांच अधिकारी धर्मपाल ने बताया कि उन्हें सिविल अस्पताल से सूचना आई थी कि तोपखाना निवासी गर्भवती सोनम ब्रॉड डेड आई है, जिस पर वे अस्पताल आए हैं। इसकी मौत कैसे हुई ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। घर से भी इनको ऑटो में लाया था मैं, और इनको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत सी आ गई थी एकदम। तो मैं एकदम यहीं के किसी हॉस्पिटल में लेके आते थे कि यहाँ उनका इलाज चल रहा था। यहाँ आते इन्होंने ऊपर नीचे भिजवाया मुझे, ऊपर लेके जाओ नीचे लेके जाओ, उसी में इन्होंने ऐसे भाग दौड़ कराई मेरी, और बाद में कह दिया ये डेड है। कोई नहीं जी, कुछ नहीं, ऐसा खाया पिया कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक। वो कहने लगी मेरा दिल घबरा रहा मम्मी, और मेरे को ना जैसे बीपी सा हो जाता है ऐसे। बस मैंने कहा बेटा तू दवाई लिया जाके। फिर वो कहने लगी क्या बोले, एकदम रास्ते में चक्कर सा आ गया उसे। जो अभी मेरी पुलिस वालों से बात हुई है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारे पास सिविल हॉस्पिटल से रुका गया था कि एक मृत अवस्था में लेडीज आई है और 8 महीने का उसके पेट में बच्चा है, ठीक है जी। तो अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जिंदी आई है, और अगर जब वो जिंदी आई थी और यहाँ पे मर गई थी तो 8 महीने का बच्चा तो उसका निकाल लेते, और ये सब के सब छोड़ के चले गए जी घर। और घर जाने के बाद इन्होंने, हमने पूछा क्यों गए, कि हम तो ताले लगाने गए थे। अरे ताले जरूरी थे, हमारी लड़की जरूरी थी। हमारे पास डेड बॉडी आई थी, कोई 1 बजे आई थी, तो ANC 8 मंथ प्रेगनेंट थी। तो हमने पोस्टमार्टम के लिए भी बॉडी रख ली है मॉर्चरी में, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद बाकी सारी जानकारी। सर ये ब्रॉड डेड आई थी हमारे पास, तो प्रेगनेंट है ये बच्चा, डेड तो IUD होगा। आज हमारे पास यहाँ से सूरतता से चौकी में ब्रॉड डेड का रुका गया, भी ऐसे सोनम नाम की लड़की आज पैर हुई है, तो इसकी मौत बारे अभी तो हमें कुछ नहीं कह सकते। जैसे ही यहाँ से कोई रिजल्ट वगैरह भेजेंगे आप इसका रिजल्ट के लिए, उसमें पता लग जाएगा। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।